दबाव। अरे हुनर तो होना चाहिए कमाने का आदमी में, हुनर ही नहीं है तो कहाँ से। अरे सर मैं सिलाई ऑपरेटर हूँ, मगर ऑर्डर नहीं होगा तो कहाँ से बनाएंगे हम लोग। मैं 50 आदमी को रोजी देता हूँ डेली, हुनर है मुझमें। इनको दे दीजिए, इनको दे दीजिए। अरे इनमें भी तो हुनर होगा, ऐसा हुनर है ना, हुनर नहीं है। क्या हुनर है आपको? चाहिए रोजगार, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। नहीं ना इनमें ये खत्म है, हुनर नहीं है इनमें कमाना। भैया ये तो खुद बेरोजगार है, पटरी पे खड़े हैं, ये कौन सा रोजगार देंगे यार? तो झूठने वाली सरकार है, क्या अच्छे दिन है? इससे और खराब दिन क्या हो सकते हैं? ऐसी सरकार ही नहीं होगी, ये सरकार ने तो बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है। कि सरकार 30-40 साल तक हिलने वाली नहीं है। देखिए जलती जब आग, जवानों में सागर भी उफना करता है, उठते हैं पर्वत बाहों पर कानंद भी लहरा करता है। ये सरकार तो कुछ नहीं, जब ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ के फेंक दिया पब्लिक ने, तो ये कुछ नहीं बेचती है मोदी सरकार। जय जवान जय जवान जय जवान। ये पहले सरकार उसी का खा रहे हैं, ये सरकार मोदी से उम्मीद है। क्या कह रहे हैं? रेल बेच दी, खेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया इस मोदी। देख लो ये लाई के खेत, कितने फाड़ घुसे बताओ। ये हो रहा है, रहेंगे तो कभी मोदी या बीजेपी गवर्नमेंट जिस दिन गिर जाएगी उसी दिन अच्छे दिन आ जाएंगे, उससे पहले कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, कोई नहीं है। जब गिरेगा तो उठाने वाला भी कोई नहीं है। वादा करने के अलावा इस मोदी को और कुछ नहीं आता है, सिर्फ लूटना है मोदी का और कोई काम नहीं है। 35 रुपए आपके लिए। अरे कौन से अच्छे दिन है बताओ? अच्छे नहीं, ऐसी तैसी हो गई। मजदूर मजदूरी के लिए भटक रहा है, किसान बेरोजगार है, झूठने वाली सरकार है, क्या अच्छे दिन है? इससे और खराब दिन क्या हो सकते हैं? गरीबों की सरकार है, जो गरीबों को किसी सरकार ने नहीं दिया। इसने गरीबों को रखा ही नहीं है, गरीबी नहीं, गरीब खत्म कर दिया है। ऐसी सरकार ही नहीं होगी, ये सरकार ने तो बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है। गरीब मजदूर के लिए भटक रहा है। राशन देना क्या गलत कर रही है सरकार? और राशन खाने से क्या होगा, आदमी के हाथ में काम नहीं है। शौचालय बनवाना क्या गलत कर रही है सरकार? शौचालय 1200 में शौचालय नहीं बनता है, शौचालय की कीमत लगती है, शौचालय 50,000 रुपए लगता है। लॉलीपॉप बना रही है सरकार। सड़कें बन गई, कोई सड़कें नहीं बन गई, सारी सड़कें सत्यानाश पड़ी है। ये रोड देखो पीछे वाले, अरे नहीं बन रही यार, पिछले बैक रिकॉर्ड को देख लिए, पिछले बैक रिकॉर्ड और है। रुकिए एक मिनट, चाचा आपसे बात करूंगा मैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कह रहे हैं हर आदमी का पक्का घर होगा, पक्की छत होगी, घर के अंदर नल होगा, नल में जल होगा, शौचालय होगा, ऐसा सपना सोचते हैं और कि हर आदमी का होगा। बांध दिया, टैक्स बांध दिया, उसमें मकान दिया लेकिन टैक्स बांध दिया। मिला कि नहीं? दुगनी आय के लिए कहा था मोदी ने, किसान की दुगनी आय के लिए कहा था मोदी ने। मोदी ने यह कहा था कि काला धन वापिस आएगा, सबके 15-15 लाख मिलेंगे। क्या मिल गया? सिर्फ वादा करने के अलावा इस मोदी को और कुछ नहीं आता है, सिर्फ लूटना है मोदी का और कोई काम नहीं है। 35 रुपये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पहली सरकार भी फ्री में देती आ रही है ना, ये पहले सरकार उसी का खा रहे हैं, ये सरकार मोदी से उम्मीद है। क्या कह रहे हैं? रेल बेच दी, खेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया इस मोदी ने। फ्री में खाने की आदत ना है यहाँ, उनको बेचना है। यहाँ कमा के खाने की आदत है, ये है फ्री का खाने वाले। इतना अरे कमा के फ्री खाने वाले लोग हैं जो 5 किलो राशन की उम्मीद रखते हैं। कमा के खाने वाली बात तो जब होगी तो मजदूर को मजदूरी मिलेगी, मजदूर ऐसे मजदूरी छीन ली गई है। रोजगार के लिए कुछ बोलेंगे? बहुत सारे लोग बढ़िया चल रहा है इस टाइम, सब चीज बढ़िया है, सब बढ़िया है। बढ़िया कैसे होगा जो खाद्यान्न रोजगार कथा ही खराब है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिस्टर पूरन है। कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से हूँ, कंपनी का जॉब करता हूँ मैं, एक्सपोर्ट में। 8 घंटे में क्या करेंगे हम लोग? अरे तो काम बढ़ाइए, काम करिए। काम करेंगे सर, ऑर्डर मिलेगा नहीं, लॉकडाउन लगा रहे हो। अरे हुनर तो होना चाहिए कमाने का आदमी में, हुनर ही नहीं है तो कहाँ से। अरे सर मैं सिलाई ऑपरेटर हूँ, मगर ऑर्डर नहीं होगा तो कहाँ से बनाएंगे हम लोग। मैं 50 आदमी को रोजी देता हूँ डेली, हुनर है मुझमें। इनको दे दीजिए, इनको दे दीजिए। अरे इनमें भी तो हुनर होगा, ऐसा हुनर है ना, हुनर नहीं है। क्या हुनर है? आपको चाहिए रोजगार, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। नरीना इनमें ये खत्म है, हुनर नहीं है इनमें कमाना। भैया ये तो ये तो खुद बेरोजगार है, पटरी पे खड़े हैं, ये कौन सा रोजगार देंगे यार? 12 घंटे 8 घंटे में कौन सा रोजगार से? ये रोजगार होना चाहिए आदमी में। बोलिए रोजगार क्या दे सकते हैं? इतना रोज डेली बेसिस की चीजों पे इतना टैक्स लगा दिया है कि आदमी की कमाई में वो अवेलेबल भी नहीं हो सकता। आदमी इससे खराब दिन हो ही नहीं सकते, इससे खराब दिन हो ही नहीं सकते, इससे कोई दिन बढ़िया नहीं। अरे कोई दिन बढ़िया नहीं है। मजदूर आदमी फुटपाथ पर सब्जी का किसी का धंधा कर रहा है तो कमेटी वाले उठा ले जाते हैं, उसको भी कुछ नहीं करने दे रहे साहब। 10 रुपए का
मजदूर आदमी इतना परेशान है, अगर नौकरी नहीं लग रही कोई धंधा भी करना चाहता है फुटपाथ पे। हुनर भी तो होना चाहिए ना, हुनर रहेगा तभी तो काम करेंगे। हुनर वाले हैं यहाँ, हुनर वालों को भी काम नहीं है, हुनर वालों को भी काम नहीं है, हुनर नहीं है साहब। जो ये देखो यूपी की है, हमारे यहाँ की फोटो देख लो आप, वीडियो देख लो, ये लाई के खेत देखो कितने फाड़ घुसे, बताओ ये हो रहा है भला। ये हमारे खेत की वीडियो है, अभी की एक महीने पहले की, सरफों के खेत में देख लो इतने फाड़, इतने छुट्टा, बताओ मुझे क्या हो रहा है। ये बोला जाता है कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो ये सुनकर क्या आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, कब आएंगे अच्छे दिन? यदि मोदी रहेंगे तो कभी, मोदी या बीजेपी गवर्नमेंट जिस दिन गिर जाएगी उसी दिन अच्छे दिन आ जाएंगे, उससे पहले कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। लेकिन कोई गिराने वाला है नहीं? हाँ, जब तक चोरों की चोरी चलती रहेगी तब तक कोई नहीं गिरा पाएगा। जिस दिन न्याय होगा उसी दिन गिर जाएगी। जब गिरेगा तो उठाने वाला भी कोई नहीं है, जब गिरेगा तो उठाने वाला भी कोई नहीं है। पर क्यों गिराना चाहते हैं? अरे तो अच्छी चल रही है। एक चीज ये बताओ, जब जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है, हम आज, मुझे 18 साल हो गई, 120 रुपए में आटा हमने खरीदा, आज वही हम खरीदे 380 रुपए में, तो क्या फायदा इस सरकार से? लेकिन कह रहे हैं कई लोगों का ये मानना है कि सरकार 30-40 साल तक हिलने वाली नहीं है। देखिए, जलती जब आग जवानों में सागर भी उफना करता है, उठते हैं पर्वत बाहों पर कानन भी लहरा करता है। ये सरकार तो कुछ नहीं, जब ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ के फेंक दिया पब्लिक ने, तो ये कुछ नहीं बेचती है मोदी सरकार। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान। जिस दिन इस देश का युवा का खून खोलेगा, उस दिन सरकार को हिलते 2 मिनट नहीं लगेंगे, और उस चीज की कवायद शुरू हो गई है। उधर किसान परेशान होकर आंदोलन कर रहा है, जब युवा आंदोलन करेगा उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। चुनाव आ रहा है, जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, चुनाव आने से पहले 2 सालों तक हमारे किसान धरने पर बैठे रहे, चुनाव आया यूपी का, तुरंत उनका बिल संशोधन होने लगा। ऐसी सरकार है, जब कुछ आने वाला होगा उनका संशोधन चालू हो जाए, इसके पहले कुछ संशोधन नहीं होगा। चलिए आप कह रहे हैं सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है, जल्दी जल्दी चलो। इस वक्त जो है जमीनी स्तर पे जा करके लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बताया जा रहा था कि नए साल पे तोहफा मिलने वाला है, करीब 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त का राशन फिर से मिलेगा, बड़ा ऐतिहासिक फैसला केंद्र सरकार की तरफ से। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि बढ़ती महंगाई को लेकर के आम जनता दरअसल सोचती क्या है, उस पर भी हमने खासा बातचीत करी। जो जिक्र किया जाता है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से सैलरी भी बढ़ता है, तो क्या सच्चाई है वो आप अभी तक आप सभी के सामने आ गया होगा। आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा होगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी न्यूज़, धन्यवाद।